हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर बहुत ही एक अच्छा टॉपिक लेके आए हैं जो कि ज़्यादा लोग कंफ्यूज रहते हैं। ज़्यादा लोग पूछते हैं कि हम SIP करें, लमसम करें, तो उसका भी एक एग्जांपल हो जाएगा कि SIP बेहतर रहती है कि लमसम बेहतर रहता है। और साथ ही साथ हम देख लेते हैं कि मान लीजिए पर्सन ए है, उसकी अगर वो SIP करता है 1000 रुपये पर मंथ 10 साल के लिए, ये दोनों को हम फॉर 10 ईयर के लिए हम एग्जाम्पल लेके समझाएंगे। ठीक है, 10 साल के लिए अगर SIP करता है 1000 रुपये पर मंथ, और या फिर बी पर्सन है वो लमसम पैसा डाल देता है 1,20,000 रुपये इकट्ठा, एक साथ डाल देता है इकट्ठा, तो दोनों में किसको बेनिफिट ज़्यादा होगा, इस चीज़ को हम समझ लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो इस वीडियो को मैं स्टार्ट करूं, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आपके पास मेरे वीडियोज़ के जो फाइनेंशियल एजुकेशन के वीडियो होते हैं वो आप तक जरूर पहुँचें। दोस्तों, बात जब हम करते हैं कि इन टॉपिक के बारे में, उससे पहले एक छोटी सी बात और मैं बता देता हूँ कि हमें इस तरह के वीडियोस क्यों देखने चाहिए। देखिए, आप ज़्यादातर वीडियोस देखते हो लेकिन फिर भी क्या है, हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल एजुकेशन ऐसी चीज़ है जो यहाँ पर इंडिया में ज़्यादा चीज़ नहीं लोग समझते हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन यानी कि आप फाइनेंस यानी कि पैसे को समझें। हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर पैसे को कमाते हैं और इन्जॉय करते हैं भरपूर, लेकिन क्या है, हम सेविंग भी कर लेते हैं, एक बार को सेविंग्स भी करते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स करने से दूर रहते हैं। तो वीडियो को देखेंगे, साइकोलॉजी बार बार वीडियोस को देखेंगे, समझेंगे चीज़ों को, साइकोलॉजी माइंड की चेंज होगी। जब साइकोलॉजी माइंड की चेंज होगी तो हम इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करेंगे। चलिए, अब कम टू द पॉइंट, तो बात कर लेते हैं SIP अगर 1000 रुपये हम पर मंथ इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो देखिए 1000 रुपये यानी कि एक साल में कितना पैसा जमा हो जाएगा हमारा, 12 महीने मल्टीप्लाइड बाई 1000 रुपये, यानी कि आपका कितना हो गया, 12,000 रुपये आपके एक साल के हो गए। अब मैं बोल रहा हूँ आपसे 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, यानी कि मल्टीप्लाइड बाई 10, यानी कि आपका कितना हो जाएगा, 1,20,000 रुपये टोटल, 1,20,000 टोटल आपके 10 साल के अंदर आपके इन्वेस्टमेंट हुए SIP के जरिए। और दूसरा लमसम के जरिए क्या है, आपके पास पैसा है तो 1,20,000 रुपये एक साथ डाल दिए तो फिर क्या होगा। ये दोनों क्वेश्चन क्या होता है कि कई सारे लोगों के पास पैसा इकट्ठा होता है, उनका पैसा कहीं से आ गया, उधार का पैसा आ गया, मतलब किसी को दे रखा था वो पैसा आ गया, या फिर हमारा बोनस मिल गया, या कहीं से हमारी एक्स्ट्रा इनकम हो गई, या आपके पास ऐसे पैसा पड़ा हुआ है सेविंग अकाउंट के अंदर पैसा पड़ा हुआ है बेवजह, तो आप ऐसा लमसम भी बहुत से लोग कर देते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि हम लमसम करें कि SIP करें। तो देखिए, इसको समझने का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या होता है कि आपको मैं SIP कैलकुलेटर पर ना लाइव दिखाऊं कि कैसे क्या फ़ायदा मिल रहा है आपका। दूसरा ये है कि इस वीडियो के अंदर आपको मैं बताऊंगा कि आपको दो म्यूचुअल फंड्स बताऊंगा जिनमें आप SIP या लमसम कर सकते हैं बेस्ड ऑन रिजल्ट्स। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं आप लोगों के लिए कि देखिए SIP कौन करता है। SIP वो लोग करते हैं जिनके पास लमसम पैसा नहीं है। मान लीजिए जब आपके पास पैसा ही नहीं है 1,20,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो आप लमसम कैसे कर पाएंगे। आपके पास हालांकि लमसम का 1,20,000 रुपये ही लमसम नहीं करना है आपको, वो तो मैंने एक एग्जांपल 10 साल में इससे पैसा कितना जाएगा, इससे कितना, इसलिए मैंने 1,20,000 रुपये लिया है। आप लमसम 10,000 का भी कर सकते हैं, 20 का भी कर सकते हैं, 1,10,000, 20,00,000 का भी कर सकते हैं लमसम, कोई दिक्कत नहीं है। तो बात ये आती है कि जिस पे पैसा है 1,20,000 रुपये है वही तो लमसम कर पाएगा, जिस पे नहीं है वो क्या करेगा, 1,000 रुपये की SIP करेगा। जिसकी सैलरी 10,000-20,000 रुपये पर मंथ है उसमें से वो 1,000 रुपये निकालेगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए और वो SIP कर देगा। ठीक है, लेकिन ये दिक्कत ज़्यादा क्या आ जाती है कि किसी के पास पैसा है मोटी पार्टी है जस्ट लाइक यू, तो आप लोग सोचेंगे कि यार SIP करूं कि लमसम करूं, किसमें फ़ायदा मिलेगा। तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आप सीधा मोबाइल पर ले चलूंगा और मोबाइल पर आपको मैं बताऊंगा कि SIP बेहतर रहता है कि आपका लमसम बेहतर रहता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, SIP कैलकुलेटर ओपन कर लूँगा और मैं इसके अंदर क्या करूँगा, SIP कैलकुलेटर ओपन कर लिया है और मैंने मोबाइल की स्क्रीन को रिकॉर्डिंग पर लगा दिया है। अब देखिए, अब मैं क्या करूँगा कि आप 1000 रुपये पर मंथ की SIP करेंगे, यानी कि 1000 रुपीज़ पर मंथ की SIP करेंगे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि जो एनुअल रिटर्न होते हैं, एनुअल रिटर्न जो आपका मिलता है वो मैं 15% लेके चलता हूँ। ठीक है, ज़्यादा भी नहीं ले रहा, 15% हमें लॉन्ग टर्म में मिल जाता है। हालांकि अगर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में डालते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको 20% ही मिल जाता है, 25% ही मिल जाता है, लेकिन ज़्यादा ना सोचते हुए 15-18% आपको स्मॉल कैप में मान के चलते हैं। लेकिन चलो मैं 15% का एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। तो देखिए, 15% का मैं एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, तो इसके अंदर मैंने 15% कर दिया और आप 10 साल के लिए डालते हैं 1000 रुपये 10 साल के लिए डालते हैं, तो 1,20,000 का आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, और आपका टोटल इस पर जो रिटर्न मिल रहा है एस्टिमेटेड रिटर्न वो 1,58,000 मिल रहा है, यानी कि टोटल आपकी जो कैपिटल हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 2,78,000 रुपीज़, इतनी हो जाएगी 10 साल के अंदर।
अगर इसी को हम 20 साल कर देते हैं, देख लेते हैं, हम लिख देते हैं थोड़ा सा कि अगर एसआईपी आप करते हैं 10 साल के लिए, तो आपकी कैपिटल कितनी हो जाएगी टोटल 2.78 लाख 10 ईयर के लिए। थोड़ा सा कंपेयर करने में इजी हो जाता है लिखने के लिए। और मैं कर देता हूँ फिर इसको 20 साल कर देता हूँ, तो 20 साल में कितनी हो जाएगी 15.15 लाख 15.15 लाख, ये लाख है और ये 20 ईयर्स है, ठीक है जी। फिर मैं कर देता हूँ 30 साल के लिए, 30 साल के लिए कर दिया। अब आपकी कितनी हो जाएगी 70 लाख 70 लाख कितनी 30 ईयर्स के लिए। ये मैंने बताया कि 1,01,000 रुपये आपके ₹1,000 जब मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कितना, लेकिन जब आप 70 लाख रुपये आपके हो रहे हैं 30 साल के लिए कर रहे हैं, तो आपका कैपिटल कितना लगा, आपका पैसा कितना लगा, 3.6 लाख रुपीज़ लगा आपका, 3.6 लाख रुपीज़ टोटल 1,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से। और 20 साल में कितना लगा इसको भी लिख लेते हैं, क्योंकि देखो कंपेयर करके चीज़ों को ना ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। 2,40,000 रुपये यानी 2.4 लाख कितना, जब इतना हो रहा है तो। अब ये आपको मैंने इतना बता दिया, अब हम करते हैं लमसम की बात, यानी कि 10 साल यानी कि लमसम करते हैं 1,20,000 रुपये, तो फिर क्या रिजल्ट आता है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, लमसम कैलकुलेटर पर क्लिक करूँगा, लमसम पर टिक कर लिया है मैंने, और यहाँ पे 1,20,000 रुपये की बात हो रही है, तो 1,20,000 रुपये इन्वेस्ट कर दूँगा। 1,20,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर दिया, 15% का रिटर्न की बात चल रही है यहाँ पे, मैंने 15% रिटर्न ले लिया है, और 10 साल के अंदर आपका पैसा कितना हो जाएगा थोड़ा उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए आपने लमसम 1,20,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर दिया, 1,20,000 रुपये यानी कि 1.2 लाख इन्वेस्ट कर दिया, तो आपका जो रिटर्न टोटल कैपिटल हो रही है वो 4.85 लाख हो रही है, कितना 10 साल के लिए, ठीक है जी। अब 10 साल के लिए, 2 साल के लिए कर देते हैं, 10 साल के लिए 20 साल कर देते हैं यानी दोगुना, यानी कि आपका पैसा कितना लगाएगा 2.4 लाख रुपीज़ दोगुना, यानी कि 2,40,000 रुपये, ठीक है 2,40,000 रुपये कर देते हैं। 2,40,000 रुपये अगर आप करते हैं 10 साल के लिए, तो आपका पैसा देखिए कितना हो रहा है, 2 लाख आपका हो रहा है 9.7 लाख कितना 10 साल के लिए, ठीक है जी। और 3 साल के लिए आपका कर रहा है 3.6, 3 साल के लिए देख लेते हैं, 3,40,000 रुपये 3,60,000 रुपये राइट, 3,60,000 रुपये, और 10 साल में आपका कितना पैसा हो रहा है 3.6, और आपकी कैपिटल हो रही है 14.56, और आपका 10 ईयर के लिए ये भी, ठीक है जी। तो आप देखिए, अच्छा मैं एक चीज़ और थोड़ा फिगर्स लिख लेता हूँ तो आपका और अच्छे तरीके से बेहतर रहेगा। मैं दोबारा से 1,20,000 रुपये डालता हूँ यहाँ पर, 1,20,000 और 20 साल के लिए डालता हूँ यहाँ पर पैसे को, यानी कि 1,20,000 रुपये आपके 20 साल के लिए, तो 20 ईयर के लिए आप डालेंगे आप पैसे को, तो एक सेकेंड ये थोड़ा सा कैलकुलेटर हैंग से हो जाता है पता नहीं क्या, 1,20,000 रुपये आप 20 साल के लिए डालते हैं, मान लीजिए जब आप ये 20 साल के लिए कर रहे थे वाली चीज़, नहीं 2,40,000 लेना पड़ेगा ना, 2,40,000 ठीक है, तो 20 साल के लिए आप डालते हैं 2,40,000 रुपये, तो आपका कितना होता है 39 लाख रुपीज़, यानी कि 2.4 लाख रुपीज़ आपका कितना 39 लाख कितना 20 ईयर्स के लिए। चलिए इतना फिगर सफिशेंट है हमारे लिए इस चीज़ को समझने के लिए, तो मैं अभी आपको समझाता हूँ कि कैसे क्या हो रहा है। देखिए जब आप लमसम कर रहे हैं जब आप 10 साल के लिए, तो आपका 2,78,000 रुपये पे टोटल बन रही है आपकी, और जब आप लमसम कर रहे हैं एक साथ पैसा डाल रहे हैं तो 4.8 लाख रुपीज़, यानी कि पैसा आपका जस्ट डबल हो रहा है लमसम में, आपको पैसा जस्ट डबल हो रहा है। वो क्यों हो रहा है अभी आपको बात बताएंगे। जब आप 30 साल के लिए करते हैं तो 70 लाख हो रहा है आपका, 30 साल के लिए करते हैं आप तो देखिए 70 लाख हो रहा है 1,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से। लेकिन जब आप इसमें देख सकते हैं कि 1,20,000 रुपये आपने किए तो 4.8 बन रहे हैं, आपने 20 साल के लिए किए जब बात लमसम चल रही है ना, तो 2,40,000 रुपये टोटल जमा करेंगे आप, जब चीज़ों को कंपेयर करते हैं आप तो 2,40,000 रुपये जमा करेंगे तो 9.7 लाख रुपीज़ बन रहे हैं 10 साल के अंदर, 3.6 लाख रुपीज़ करेंगे 10 साल के अंदर तो 40 लाख बन रहे हैं, 14 लाख बन रहे हैं समथिंग, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके 70 लाख बन रहे हैं SIP से, कितने SIP से, यानी कि 3,60,000 रुपये आप जमा करेंगे तो 3,60,000 रुपये जमा करेंगे तो 3,60,000 रुपये आप कितने साल के लिए जमा करेंगे, 30 साल के लिए, 3,60,000 रुपये 70 लाख बनने हैं 30 साल में, तो 3,60,000 के आप लमसम देख लेते हैं 30 साल के लिए तो कितनी बनती है, 3,60,000 ओ ओ ओ
3,60,000, ठीक है जी, 3,60,000 करते हैं आप, तो 30 साल के अंदर देखेंगे तो आपका रिटर्न कितना बन रहा है यहाँ पर, ये बन रहा है आपका 2.38 करोड़ 30 साल के अंदर, 30 साल के अंदर, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको ये समझा देता हूँ। इसका मतलब ये है कि आपका लमसम में फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि क्या होता है कि आप 1,000 रुपये पर मंथ इंस्टॉल कर रहे हैं, यानी कि पैसा आपका एक साथ नहीं देने गया ना, तो अब 1,000 रुपये आपने पहले साल जमा किया तो टोटल 12,000 रुपये आपके पास से गए, इन्वेस्ट हुए 12,000 रुपये, तो आपको 12,000 रुपये तो इंटरेस्ट मिलेगा, जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा वो 12,000 रुपये मिलेगा। लेकिन जब आप 1,20,000 रुपये एक साथ जमा कर देते हैं तो 1,20,000 रुपये पूरी एक साल तक आपका कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, फिर अगले साल उसे कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, आपका इनकम इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। यानी कि आपने अब एक साथ ही पूरा 10 साल का पैसा एक साथ ही डाल दिया है तो आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा ना, तो इसलिए आपका पैसा दोगुना हो रहा है यहाँ पर। और या लमसम में आपने, या मान लीजिए जब आपने 30 साल के लिए पैसा कर दिया, 3.6 लाख रुपीज़ आपके टोटल पहुँचेंगे 30 साल के अंदर SIP में, तो 70 लाख रुपये हो रहे हैं सिर्फ आपके। लेकिन अगर आप 3,60,000 रुपये डाल देते हैं 30 साल के लिए, 3,60,000 रुपये डाल देते हैं आप कितना 30 साल के लिए, तो आपका पैसा कितना हो रहा था, 2.3, ये 2 ही है, 2.38 करोड़ रुपीज़, कितना 2.83 करोड़, 30 साल लमसम कितना डालना पड़ेगा, 3.6। तो आप ये देख सकते हैं कि लमसम का फ़ायदा क्या होता है, 3.6 लाख रुपीज़ आपके टोटल SIP करते हैं आप तो 70 लाख हो रहे हैं आपके 30 साल के अंदर, लेकिन आप 3,60,000 का अगर 30 साल के लिए अगर लमसम कर देते हैं तो 2.83 करोड़ रुपीज़ हो जाएंगे। यानी कि आप जब पैसा इकट्ठा डाल रहे हैं पूरा 30 साल का एक साथ डाल देंगे 3,60,000 रुपये, तो आपकी कैपिटल काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़ जाती है। तो दोस्तों ये तो रहा आपका लमसम और आपका SIP का फ़ायदा कि आप क्या कर सकते हैं, लेकिन जब आपके पास कैपिटल ही नहीं है, 3,60,000 ही नहीं है, 2,40,000 नहीं है, तो SIP अच्छी रहती है। हालांकि SIP फिर भी लमसम से अच्छी होती है, क्योंकि SIP में हमें एवरेज मिलता है, लेकिन लमसम में क्या होता है, आपने पैसा लगा दिया और मार्केट नीचे चला गया और मार्केट कभी ऊपर आया ही नहीं, तो आपको लॉस भी हो सकता है। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है, कोरोना काल में भी नीचे मार्केट गया था लेकिन वो फिर से रिकवर उसने कर लिया। तो चलिए जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि थोड़ा सा कुछ म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात कर लेंगे, तो मैंने ग्रो ऐप के बारे में ओपन कर लिया है, तो आप किस इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो देखिए आप म्यूचुअल फंड सेक्शन में आएंगे, मैं ग्रो ऐप यूज़ कर रहा हूँ, और आप भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ग्रो ऐप में आप अपना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखे हैं, पिन कमेंट में लिंक डाल रखा है, आप उससे ग्रो ऐप को डाउनलोड कीजिए, KYC पूरी करिए, ओपन कर अकाउंट कीजिए, डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए और इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए। तो देखिए इसमें लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, मैं तीन चीज़ों को लेकर चल रहा हूँ इसमें। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप अपना गोल देखिए कि आपका गोल क्या है और आपका रिस्क एपेटाइट कितना है वो भी देखिए। यदि आप रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं, अच्छा पैसा कमाना है, तो अच्छा रिस्क लेना पड़ेगा, यानी कि स्मॉल कैप में पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए। आप कम रिस्क लेना चाहते हैं, कम पैसा कमा सकते हैं, तो लार्ज कैप में डाल दीजिए। सेफ गेम खेलना चाहते हैं तो लार्ज कैप में डाल दीजिए, और ज़्यादा सेफ गेम खेलना चाहते हैं तो इंडेक्स फंड में पैसा डाल दीजिए। मैंने इंडेक्स फंड के ऊपर भी वीडियो बनाया, आप उसको देख सकते हैं कि इंडेक्स वर्सेज म्यूचुअल फंड में डिफरेंस क्या होता है और विच वन इज़ बेटर फॉर यू, ठीक है। तो लार्ज कैप में हम चलते हैं, लार्ज कैप में हम 5 ईयर के रिटर्न, लास्ट के 5 ईयर का रिटर्न देख लेते हैं। तो इसके अंदर आपका ब्लू SBI ब्लू चिप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप है, तो इनके अंदर मैं जब देखूंगा तो मैं इसमें रिकमेंड क्या करूंगा, कैनरा रेवेको ब्लू चिप इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ 15 point something इसका रिटर्न रहा था लास्ट का 5 साल का। 3 साल का अगर आप देखेंगे इसका तो 22.23% का रिटर्न रहा है। 5 साल का बात करेंगे, लास्ट के 5 साल का, तो 15.25 रहा है। ऑल टाइम की बात करेंगे तो 14.42% रिटर्न रहा है इसका। रेटिंग 5 की बात कर रहे हैं, रेटिंग 5 है इसमें, और इसका फंड साइज कितना है, 9,600 करोड़ रुपीज़। अब इसकी रिटर्न की बात करेंगे, होल्डिंग्स की बात करेंगे, तो होल्डिंग में आप देख सकते हैं कि HDFC बैंक, ICICI बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और इन्फोसिस लिमिटेड, ये कुछ top 4 कंपनीज हैं जिसके अंदर होल्डिंग ज़्यादा रखी हुई है इस म्यूचुअल फंड की, ठीक है, जो कि अपने आप में काफ़ी अच्छा है। और 42 कंपनीज में होल्डिंग है, इसका मतलब ये है कि आपका पैसा ऐसे ही डूबेगा नहीं, अच्छी कंपनियों में लगा हुआ है पैसा, ऐसा नहीं हो सकता है सारी कंपनियाँ डूब जाएँ। माना कि कभी कभी सालों में, 10 साल में, 15 साल में एक आध कंपनी डूब जाती, जस्ट लाइक अभी एक बैंक थी जिसका नाम नहीं लेना चाहता, सत्यम स्कैम था वो वाला, है ना, तो इस तरह कभी कभी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन सभी कंपनियां बंद नहीं हो सकती ना, तो इसलिए आपकी इसमें, इसलिए कहते हैं ना म्यूचुअल फंड थोड़ा सेफ है, ठीक है ना। बाकी आप कमेंट कर बताइएगा कितना सेफ है कितना नहीं है, आपकी राय क्या है, प्लीज़ हमें भी ज्ञान हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है ना, कमेंट करके बताइए।
तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इसके अंदर एक्सपेंस रेशियो क्या है, एग्जिट लोड क्या है, 0.42% इसका एक्सपेंस रेशियो है, बहुत ही कम है इसका, ठीक है। फंड मैनेजमेंट कौन संभाल रहा है, विशाल मिश्रा हैं, सिद्धा भद्र भंडवालकर हैं, ठीक है ना, तो ये आपके फंड को संभाल रहे हैं। इसके बाद में बात कर लेते हैं, एक स्मॉल कैप की बात कर लेते हैं, आप इसमें भी लगा सकते हैं, हालांकि ये मेरी रिकमेंडेशन है, मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि इसी के अंदर पैसा डालिए, आप अपना थोड़ा रिसर्च कीजिए खुद से भी और चीज़ों को समझिए तभी पैसा इन्वेस्ट कीजिएगा, ठीक है। अब हम स्मॉल कैप की बात कर लेते हैं, तो लास्ट के 5 ईयर का रिटर्न देख लेता हूँ, तो क्वांट स्मॉल कैप मैं चाहूँगा कि एक आप बैंकिंग सेक्टर में डाल सकते हैं, जैसे कि आप इसमें डाल सकते हैं HDFC स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंदर, तो HDFC स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है, तो इसका लास्ट के 3 साल का 43.30% रहा है रिटर्न, और 5 साल की बात करें तो 17.25% रिटर्न रहा है, और ऑल टाइम की बात कर लेते हैं तो 19.52%, यानी कि 19, मैंने तो पहले जो आपको SIP कैलकुलेटर यूज़ करके बताया था, लमसम बताया था मैंने, 15% से बताया था, यदि आपने इसमें पैसा लगाया होता तो आज की डेट में इसको 19% अराउंड आपको रिटर्न मिल रहे होते, 15 जगह पे 19, और आप SIP कैलकुलेटर में 10 20 30 साल के जो कैलकुलेट करते हैं ना उसमें 19% से कैलकुलेट करके देखना आपकी कैपिटल कितनी अच्छी हो जाएगी। तो गाइज ये कुछ बातें थी कि SIP अच्छा रहेगा कि लमसम, मैंने आपको एग्जाम्पल दे के बता दिया है, हालांकि SIP के अपने फ़ायदे होते हैं, लमसम के अपने फ़ायदे होते हैं, तो आप मेरा वो वाला वीडियो देख सकते हैं कि SIP वर्सेस लमसम, मैंने उसे प्रॉपर तरीके से डिटेल में वीडियो बनाया है कि SIP कब अच्छी रहती है, लमसम कब अच्छा रहता है। तो बेसिकली आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट कर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं मैं तो कहूँगा इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कीजिए, किस म्यूचुअल फंड में कीजिए वो आपकी मर्जी है, रिसर्च कीजिए, ज्ञान अर्जित कीजिए, पता कीजिए, नॉलेज गेन करिए, तो उसके हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन्ड कमेंट में ग्रो ऐप का लिंक लगा हुआ है, वहाँ से आप ऐप को डाउनलोड करके वीडियो KYC पूरा करिए, अपना अकाउंट ओपन करवाइए डीमेट का, और उसके बाद में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, जय हिंद जय भारत।